यूपी में 2014 वाला प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। यूपी में कितने सांसदों की टिकट पर लटकी है तलवार। अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में आम चुनाव का बिगुल बज सकता है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों ने अभी से ही अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यूपी में 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल बीजेपी लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिशों में जुट गई है। खबर है कि बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपने आधे से ज्यादा सांसदों के टिकट काटने का मन बना लिया है। इसी तरह से हरियाणा में बीजेपी के मौजूदा सांसदों को टिकट से महरूम रहना पड़ सकता है। खबर है कि ये प्रस्ताव एक सर्वे के आधार पर रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के दो सांसदों ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वहीं कई ऐसे एमपी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, उनके बदले किसी और से चुनाव लड़ने की सिफारिश की गई है। जिन सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं उनके नाम का खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वे अपने टिकट बचाने के लिए दिल्ली का चक्कर ना लगाने लगे। लेकिन सूत्रों की माने तो देवरिया, मथुरा, झांसी, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, हमीरपुर, इलाहाबाद, भराइच, डुमरियागंज, रॉबर्ट्सगंज, बलिया और सलेमपुर के सांसदों का टिकट कटना तय है, जबकि कुछ नेताओं के टिकट का फैसला उन पर छोड़ा गया है। यानी जिन सांसदों के टिकट पर तलवार लटक रही है उनमें मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का नाम भी शामिल है, जबकि कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी को चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने का फैसला उनके ऊपर छोड़ा गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी प्रदेश सरकार के 10 कद्दावर मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करा रही है। ऐसे में 10 और सांसदों के टिकट पर ग्रहण लग सकता है। साफ है कि यह अभी शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी और सांसदों के दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, क्योंकि कई मौकों पर बीजेपी का टिकट काटने का फॉर्मूला हिट रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का ये प्लान कितना सही साबित होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।